वक्त खबर नेपानगर से मिल रही है, जहां बीजेपी विधायक सुमित्रा देवी काजडेकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल सुमित्रा देवी काजडेकर ने उपचुनाव के शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है, ऐसा आरोप है। मार्कशीट में जन्मतिथि की कॉलम में उन्होंने गलत जानकारी दी है, ऐसा आरोप है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई सुमित्रा देवी काजडेकर के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। उपचुनाव में अंक सूची और जन्मतिथि की गलत जानकारी उन्होंने दी। शपथ पत्र में गलत जानकारी देने के आरोप में यह एफआईआर दर्ज हुई है। एमएफसी के न्यायालय में सीआरपीसी धारा 156(3) के अंतर्गत एक परिवाद प्रस्तुत किया था और उसमें हमने माननीय न्यायालय से ये निवेदन किया था कि जो नेता जी विधायक भारतीय जनता पार्टी की विधायक है श्रीमती सुमित्रा काजडेकर जी ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके इलेक्शन जीता है, उनके खिलाफ धारा 467, 468, 120B, 471, 420 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध करके गिरफ्तारी के आदेश होना चाहिए। सुना आपने, जिस तरह से गलत जानकारी एक तरह से साझा की थी सुमित्रा देवी काजडेकर ने, शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी, जन्मतिथि के कॉलम में उन्होंने गलत जानकारी दी थी, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें, पहले कांग्रेस पार्टी में थी और कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उपचुनाव में उन्हें टिकट मिला, उन्होंने चुनाव भी लड़ा और जीत भी हासिल की।